बहुत बुरा हुआ, मेरे सारी के सारी विलन बहनों को मार दिया है उस लिटिल सिंगम ने। इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। रेड विलन, येलो विलन, पिंक विलन, स्काई विलन को भी, और ब्लू विलन, ग्रीन विलन, सबको मार दिया है उस कमबख्त लिटिल सिंगम ने। कीको ने, सेंचियन और सिबा ने, उन चारों भाइयों को मैं छोड़ूंगी नहीं। अपनी बहनों का बदला लेकर रहूंगी, वो भी लिटिल सिंगम के कलरफुल भाई लोगों से। इन तीनों भाइयों को मैं मार डालूंगी। लिटिल सिंगम को अगर मार नहीं सकती तो क्या हुआ उसके चचेरे भाई, उसके कजन भाई को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे हमें छोड़ दो, हम तो लिटिल सिंगम के चाचा के लड़के, हमें प्यार के क्या मिलेगा। तुम सभी को मैं छोड़ूंगी नहीं। देखा मेरे अंदर कितनी ताकतें हैं। ये ब्लू लिटिल सिंगम तो बेहोश हो गया एक ही झापड़ से। अब तुम दोनों भाइयों को भी मैं मार डालूंगी। रेड लिटिल सिंगम और ब्लू लिटिल सिंगम तो बेहोश हो गया है, और पर्पल लिटिल सिंगम, तुम तीनों भाइयों का रात को मैं बलि दूंगी और तुम्हारे शरीर के अंदर मेरी इविल नन की आत्मा को डालूंगी। और मेरी इविल नन बहनें फिर से जिंदा हो जाएंगी तुम लोगों के शरीर के अंदर। मैं बदला लेकर रहूंगी। वो लिटिल सिंगम बहुत बदमाश है, उसको मैं पीटती हूँ इतना फिर भी नहीं मरता है। पर कोई बात नहीं, लिटिल सिंगम के चाचा के लड़के से बदला लूंगी। इन तीनों भाइयों को खत्म करूंगी, फिर लिटिल सिंगम को समझ आएगा उसने किसके साथ पंगा लिया है। अरे छोड़ दो हमें, हमें किडनैप करके तुमको क्या मिलेगा इविल नन, छोड़ दो हमें प्लीज, जाने दो हमें प्लीज। अगर लिटिल सिंगम को पता चलेगा ना तो वो फिर से तुम्हें पीटेगा। तुम्हें ऐसे ही किडनैप करके रखूंगी। मुंह मत चला कलरफुल लिटिल सिंगम, तुम सभी को किडनैप करके बहुत सही किया है मैंने। अरे गाइस बहुत बुरा हुआ, मेरे कलरफुल लिटिल सिंगम भाई लोगों को, मेरे चाचा के लड़के लोगों को गाइस किसी ने किडनैप कर लिया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है किसने किडनैप किया है। अरे लिटिल सिंगम भैया यहाँ पे रुको ना, ये घर तो इविल नन का है ना, पहले गिरानी रहते थे फिर इविल नन ने अब कब्जा कर लिया है। चलो ना इस घर के अंदर भी जाकर देखते हैं, क्या पता यहाँ पे हमें कलरफुल लिटिल सिंगम मिल जाए। मुझे तो लग रहा है वो इविल नन ने किडनैप किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो गिरानी के घर में भी चेक कर लिया है ना, वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, मुझे पूरा पक्का विश्वास है लिटिल सिंगम भैया वो इविल नन ने किडनैप किया होगा कलरफुल लिटिल सिंगम लोगों को। और यार चलो कीको जल्दी से घर के अंदर जाते हैं, पर मुझे बहुत डर लग रहा है कीको, मेरे पास तो सुपर पावर है नहीं ना अभी, अगर हम लोग चले गए और वो सारी की सारी इविल नन हमें तो मार ही डालेंगे। अरे यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइज। मेरे कलरफुल लिटिल सिंगम भाई लोगों को बचाना भी तो है, चलो चेक कर लेते एक बार घर के अंदर जाके। हेलो लिटिल सिंगम भैया रुको, एक साथ जाते हैं। ओ भाई वो देखो कीको वहाँ पे कैद करके रखा है जेल के अंदर डालकर। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ गाइस, कैसे बचाऊँ मेरे भाई लोगों को। मैंने देख लिया लिटिल सिंगम, छुपने का कोई फायदा नहीं, जल्दी से निकल जा। अरे अरे आ रहा हूँ मैं। अरे लिटिल सिंगम भैया रुको ना, आप अकेले क्यों चले जाते हो। अरे कुछ नहीं होगा। अरे अरे ब्लू लिटिल सिंगम को क्या हो गया, रेड लिटिल सिंगम, पर्पल लिटिल सिंगम, कुछ तो बताओ। अरे इस चुड़ैल ने मार के पीट के बेहोश कर दिया। अरे तोड़ दूंगा मैं इस पिंजरे को, पूरा का पूरा जेल को तोड़ दूंगा, तुम दोनों को तीनों को आजाद करके रहूंगा। अरे ये सब तो वो इविल नन है जो मैंने कुछ दिन पहले इन सारी इविल नन को मार दिया था। ये लोग तो बच्चे लोगों को किडनैप करके बलि दे रही थी, इसलिए मैं इन सभी इविल नन को खत्म किया हूँ। वैसे तुम क्या चाहती हो इविल नन, मेरे भाई लोगों को क्यों किडनैप किया, जल्दी से आजाद करो उन लोगों को। तूने मेरी इतनी सारी इविल नन बहनों के ऊपर रहम किया था, सभी को तूने तड़पा तड़पा के मौत दे दिया, मार दिया तूने। अब तू कैसे बचेगा, तेरे भाई लोग कैसे बचेंगे, अब सबको हम लोग खा जाएंगे। मेरी बहन सारी की सारी इविल नन सभी लोग जिंदा होंगे फिर से। तेरे भाई को मैंने किडनैप करके बहुत अच्छा किया है कलरफुल लिटिल सिंगम, रात होते ही तुम तीनों भाइयों को किडनैप करके मैं बलि देने वाली हूँ। अच्छा हुआ ये लिटिल सिंगम भी आ गया, लिटिल सिंगम भी मरेगा अब। अब देख क्या करता हूँ। अरे बाप रे मर गया यार, ये इविल नन तो हमें पीट रही है लिटिल सिंगम भैया। अरे बाप रे, अरे इविल नन, अरे बाप रे मर गया, ले मुझे भी मुक्का मार लिया लिटिल सिंगम भैया, बचाओ। पीटो इन सभी को, क्या कर रही हो तुम सभी के सभी, ये ले
कीको के बच्चे लिटिल सिंगम ये ले, तुझे मैं मार डालूंगी, कुचल कुचल कर खत्म कर दूंगी, ये ले। कैसा लग रहा है मेरी बहनों को मारा था तो ना तूने, तू मरेगा। अली मेरे लिटिल सिंगम भैया को छोड़ दो, ये बलन तुमने ठीक नहीं किया। ये कलरफुल लिटिल सिंगम को भी किडनैप कर लिया, अब हमें पीट रही हो। अरे बाप रे, ये इवल नन तो बहुत ही ज्यादा बदमाश निकली। इवल नन, अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है ना, तो मेरे साथ एक गेम खेल लो, हाइड एंड किल, हाइड एंड सीक, जिसको छुपन छुपाई बोलते हैं। अगर छुपन छुपाई में तुम जीत जाओगी ना इवल नन, तुम्हारी बहने लोग, तुम लोग सभी के सभी जीत जाओगे ना, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुमको मेरे इन कलरफुल लिटिल सिंगम भाई लोगों के साथ जो भी करना है तुम कर सकती हो, बलि देना चाहती हो ना दे देना। अगर मैं हार जाता हूँ तो, अगर मैं जीत जाऊंगा ना, तो तुमको आजाद करना पड़ेगा मेरे तीनों के तीनों कलरफुल लिटिल सिंगम भाई को। बोलो मंजूर है तुमको? हम तो टॉपर है, चैंपियन है इस गेम में, हाइड एंड सीक में आज तक हमसे कोई नहीं जीत पाया, जल्दी से काउंटिंग कर जा। ओके, जा रहा हूँ मैं, काउंटिंग करूंगा, सबके सब छुपना स्टार्ट करो। ओके सो गाइस, अब मैं यहाँ पे काउंटिंग करूंगा और ये सारे के सारे इवल नन चुड़ैल जो है छुपने वाली है। गाइस चलो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। अरे बाबले, ये इवल नन चुड़ैल तो जा रही है भूतनी की कहीं की, इसको पीट पीट के लिटिल सिंगम भैया तो आज मोर ही बना देंगे, ये हारी थी जरूर। कीको, बड़ा बोल रहा है, बड़ा मुंह चल रहा है तेरा, बस एक बार ये हाइड एंड सीक जीत जाऊं फिर तेरा भी बलि दूंगी, बहुत मुंह चल रहा है केचियों के जैसा। अरे बाप रे, जल्दी से भागना पड़ेगा, जल्दी से छुपना पड़ेगा कोई अच्छी सी जगह पे। अरे यार, ये जगह तो बहुत सही लग रही है, यहाँ पे तो लिटिल सिंगम पहुंच भी नहीं पाएगा, उसको तो पता भी नहीं है यहाँ पे पीछे कोई छुपने का जगह भी है। मजा ही आ गया। अरे अब मैं छुपूंगी, मैं हूँ येलो इवल नन। अरे बाप रे, छत के ऊपर छुप जाती हूँ, यहाँ पे तो वो लिटिल सिंगम चढ़ भी नहीं पाएगा, उस कमबख्त लिटिल सिंगम के पास तो सुपर पावर भी नहीं है, किसी काम का नहीं है। अरे गाइस देख सकते हो, एक के बाद इवल नन छुपी जा रही है। गाइस अगर आप लोग चाहते हो मेरे लिटिल सिंगम भैया जीत जाए इस हाइड एंड सीक में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ये सारी की सारी इवल नन बहुत ही ज्यादा बुरी है गाइस, इन लोगों ने, इवल नन ने गाइस मेरे कलरफुल लिटिल सिंगम भैया लोगों को किडनैप कर लिया है और बलि देना चाहती है। अगर मेरे लिटिल सिंगम भैया हार जाएंगे ना, तो ये कलरफुल लिटिल सिंगम मर जाएंगे। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि मेरे लिटिल सिंगम भैया जीत जाए। जीतेंगे तो हम ही, देख लेना पित्ते से की को, तेरा भी बैंड बजाऊंगी, बस एक बार जीत जाऊं। ये जगह सही लग रही है, मजा ही आ गया। मैं हूँ पिंकी विलनन, अब मैं छुपूंगी, तेरी तो ऐसी की तैसी कर दूंगी लेडी सिंगम, तू हमसे जीत नहीं पाएगा, देख लेना तू जरूर हारेगा। ये हमारा घर बहुत बड़ा है, यहाँ पे हम कहीं पर भी छुप सकते हैं, और तुझे तो कुछ पता भी नहीं है इस घर के बारे में, कहाँ पे कौन सी जगह है छुपने की। बेवकूफ लिटिल सिंगम, कहीं का किसी काम का नहीं है बुद्धू सा लिटिल सिंगम, आज तो मरेगा लिटिल सिंगम और कीको भी। ये यहाँ पे छुपूंगी, इस जगह पे, इस गेट के यहाँ पे छुपने वाली हूँ मैं, यहाँ पे छुपी रहूंगी। अरे बाप रे, अब मैं छुपूंगी, मैं हूँ ग्रीन इविल नन। अरे यार जल्दी से छुपना पड़ेगा, अरे उस लिटिल सिंगम को पीछे से धप्पा दे दूंगी और वो हार जाएगा। मजा ही आएगा। मैं हूँ ब्लू इविल नन, अब मैं छुपूंगी। अरे बाप रे, भागो रे भागो, ये देखो क्या मस्त जगह मिली है, पर यहाँ पे तो येलो इविल नन छुपी हुई है, कमबख्त गई की। अरे यार कहाँ पे छुपूं, कोई अच्छा जगह छुपना ढूंढना पड़ेगा। ये अरे यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे छुप जाती हूँ, ये मस्त जगह मिली है मुझे। सो गाइस मेरा काउंटिंग हो गया खत्म और मैंने एक गन भी निकाल लिया है गाइस, और जो भी पकड़ा जाएगा ना मैं उसको शूट करके किल कर दूंगा इस मेरे शॉट गन से। अब देखना सारी की सारी इविल नन अलग अलग जगह छुप चुकी है, अब सबका मैं बैंड बजा दूंगा। गाइस आप लोग जल्दी जल्दी बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो गाइस, तभी मैं ये हाइड एंड सीक जीत पाऊंगा और मेरे सारे के सारे कलरफुल लिटिल सिंगम भाई लोगों को इविल नन के चंगुल से बचा पाऊंगा।
मुझे जीती सिंह भैया कोई मिला कि नहीं, बचाओ। अरे रे रे रे, ये देखो मिल गया किको। अब तो ये इविल नन गई है, ये गई। इसका इविल नन को मैंने ढूंढ लिया किको, देखो जरा मजा ही आ गया। अली बाबली, इतना जल्दी मेरे लिए सिंह भैया ने ढूंढ भी लिया, लगता है सबके छक्के छुड़ा देंगे मेरे लिए सिंह भैया। अरे यार कितना मस्त गाड़ी है गाइस, इन चुड़ैलों ने गाड़ी भी चोरी कर लिया। और ये देखो गाइस पिंक इविल नन, ये मजा ही आ गया। पिंकी बेलन भी अब मर चुकी है गाइस, एक एक करके सबको मैं मार दूंगा, सबका धजिया उड़ा दूंगा गाइस, कोई नहीं बचेगा। ओह माय गॉड, यहाँ पे एक सुपर कार है गाइस। ये इविल नन तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली, पता नहीं किसका सुपर कार चुरा के लेकर आई है। चलो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ। अरे जीती सिंह भैया, वो सुपर कार ना हम लेकर चले जाएंगे अगर इनको हरा देंगे तो। अरे किको मुझे कुछ पता नहीं है इनको हरा पाऊंगा भी या नहीं, पर मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखो ग्रीन इविल नन गई, ओ भाई मजा ही आ गया। अरे भाप ले लेते सिंह भैया, क्या है आप धोबी पछाड़ मार रहे हो, मार मार के भूत बना दे रहे हो सबकी, तो ऐसे की तैसे कर दी लेते सिंह भैया ने तो, ये हिप्पी बुरे। अरे यार ओबे भाई, आप येलो ये वलन में ए मुझे मत मारा। ओ भाई ये भी गई, ओके अब दूसरे लोगों को ढूंढते हैं गाइस। दूसरे लोग कहाँ पे, यहाँ पे तो पिंकी वलन को मैंने खत्म कर दिया है, अब बाकी के चुड़ैल लोग कहाँ पे छुपे हैं गाइस। बहुत ज्यादा मुंह चल रहा था उस इवलन का, आज मैं मुंह बंद कर दूंगा। उन सभी की हिम्मत कैसे हुई मेरी कलरफुल लेडी सिंगम को किडनैप करने की गाइस। देखो यहाँ से जाऊंगा। अरे लिटिल सिंह भैया ढूंढो ढूंढो, उस ब्लैक इविल नन को ढूंढ के निकालो, वही है पूरी इस फसाद की जड़, उसी ने ये सब खेल खेला है हमारे साथ, किडनैप किया है कलरफुल लिटिल सिंह लोगों को, छोड़ना मत किसी को भी। अरे हाँ हाँ हाँ, ये देखो इधर भी चला जाता हूँ। अरे ये क्या ब्लैक इविल नन भी मिल गए हमें, ओ भाई मुझे मत मार लिटिल सिंह, नहीं तो तुझे खत्म कर दूंगी, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी, तेरे पीछे पड़ जाऊंगी, तू मर जाएगा मेरे हाथ से। कोई फायदा नहीं मुझे मारने का, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी, अमर हूं मैं, अमर, खतरनाक चुड़ैल हूं मैं। ये ले ये ले, ओ भाई चलो ये चुड़ैल भी गई गाइस। वैसे ये बोल रही थी फिर से जिंदा हो जाएगी, चलो बाद में देखेंगे, अगर ये जिंदा होती भी है तो फिर से इसको खत्म कर देंगे गाइस। और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है गाइस, यहाँ पे आना लगता है पोपट हो गया मेरा। अरे ये देखो गाइस ब्लू इविल नन है, चलो जा। ओ भाई ये भी गई, अब बाकी के लोगों को ढूंढते हैं गाइस। ये देखो कहाँ पे छुप सकती है गाइस वो चुड़ैल लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रेड इविल नन अभी तक आई थी नहीं मिली है गाइस, चलो उसको भी ढूंढते हैं। बस आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अरे गाइस देखो ना मेरे लिटिल सिंह भैया कितना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अरे बाप रे जोर का लग जाएगा। अरे यार मेरे लिटिल सिंह भैया को चोट लग गई, अरे कोई बात नहीं किको, अब बस एक ही लगता है इविल नन बची हुई है, उसको भी बस ढूंढ लो तो फिर खेल खत्म हो जाएगा इन लोगों का। अरे लिटिल सिंह भैया सबको ढूंढ के निकालो, ये लोग बहुत खतरनाक है और चालाक और साथी रहे। अरे यार पानी तो बहुत ठंडा है यार, यहाँ पे तो मस्त लगेगा अगर नहाऊंगा तो। अरे यार ये देखो यहाँ पे तो रेड इविल नन है, मिल गई ये भी, अब ये गई। ओ भाई इसको भी मैंने सूट कर दिया है गाइस। चलो अब सारे के सारे कलरफुल लेडी सिंघम लोगों को निकालते हैं जेल के अंदर से, निकल जाओ सभी के सभी, अब खतरा टल चुका है। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ हाँ हम लोग ठीक है, तुम ठीक हो ना लेडी सिंघम, तुमने तो हमारी जान ही बचा ली। अली बाबली लेडी सिंघम भैया अगर नहीं होते, नहीं आती यहाँ पे तो पता नहीं क्या ही हो जाता, वो चुड़ैल लोग तो बहुत ही खतरनाक और साथ ही चालाक थी। चलो गाइस जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो लेडी सिंघम भैया के चैनल को। हाँ हाँ गाइस चलो अब हम लोग घर जाएंगे, आ जाओ कलरफुल लेडी सिंघम लोग, आ जाओ बैठ जाओ जीप में, मैं यहाँ पे गाड़ी भी लेकर आया हूँ तुम लोगों के लिए, फटाफट से घर चलते हैं, बहुत भूख भी लगी है, खाना भी खाना है।